दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उन पर कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। बीते दिनों दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। केजरीवाल की रिहाई से पहले ही सीबीआई ने तिहाड़ जेल से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत वाले आदेश पर स्टे लगा दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालतों के लगभग 150 वकीलों ने केजरीवाल की जमानत में हो रही देरी को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। पत्र में वकीलों ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर स्टे लगाने वाले जज पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे लेटर में वकीलों ने कहा कि केजरीवाल की जमानत अर्जी पर जज फैसला लेने में देरी कर रहे हैं। इसके साथ ही वकीलों ने लिखा है कि जज लंबी लंबी तारीखें भी दे रहे हैं। चीफ जस्टिस को लिखे लेटर में वकीलों ने केजरीवाल की जमानत वाले फैसले पर स्टे लगाने वाले जज पर सवाल उठाए हैं। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुधीर जैन को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। इस पर तर्क देते हुए वकीलों ने कहा कि चूंकि जस्टिस सुधीर जैन के सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं, इसलिए उन्हें सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। कथित शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोकसभा चुनाव के दौरान कोर्ट से 1 जून तक के लिए जमानत मिल गई थी। जमानत की अवधि पूरी होने के बाद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। 20 जून को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। हालांकि रिहाई से पहले सीबीआई ने तिहाड़ जेल से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि उनके वकीलों से मिलने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए। उन्होंने कोर्ट में दायर अर्जी में कहा है कि उन्हें वकीलों से हफ्ते में 4 बार मीटिंग का समय दिया जाए। वकीलों के साथ ज्यादा समय बिताने की मांग के पीछे केजरीवाल ने अपने तर्क भी दिए हैं। हम लोग जितने भी लीगल प्रोसेस के थ्रू रिलीफ मिलने के तरीके हैं उसको अपना रहे हैं। हाई कोर्ट में रिलीफ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ईडी की अरेस्ट को चैलेंज किया हुआ है, वो मामला भी रिजर्व है और हमें उम्मीद है उसका फैसला भी जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच से आएगा। देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जी से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जो शराब घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है शरद रेड्डी, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए क्यों लिए? प्रधानमंत्री इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मगुंटा रेड्डी, जिनका बेटा इस मामले में 6 महीने तक तिहाड़ में बंद था, जिसने कई बार स्टेटमेंट अपनी दी और अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं कहा, फिर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज मगुंटा रेड्डी की पार्टी उस सरकार का हिस्सा है, वो एनडीए के हिस्से हैं। मगुंटा रेड्डी, जिसका बेटा इस मामले में 6 महीने जेल में बंद था, तो प्रधानमंत्री बताएं कि उनको और कोई आदमी नहीं मिला? इस दोनों बातों का जवाब वो देश की जनता को जरूर दें।